The intermolecular interaction that is dependent on the inverse cube of distance between the molecules is. Now guys, इसमें ये पूछा गया है कि जितने भी ये इंटरेक्शन होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसमें जो इंटरेक्शन है यानी एफ की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ किस में होती है, राइट गाइज। नाउ अगर आप ये तो डायरेक्ट गाइज क्वेश्चन बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए इसी पे है, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं लगता। नाउ बेसिकली आयन आयन जो इंटरेक्शन होता है उसमें आपका जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। आयन डायपोल इंटरेक्शन में बेसिकली ये होता है 1/r³ के, राइट। सिमिलरली लंडन जो फोर्सेज है उसमें जो एफ है इंटरेक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁶ के। एंड सिमिलरली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के। इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या कहूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है गाइस, एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसी भी टाइप का हो उसमें यही प्रोपोर्शनल होता है। नाउ अगर आप गौर से देखें तो जो बी ऑप्शन है एंड डी ऑप्शन है दोनों में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के। नाउ इसमें मोर करेक्ट आंसर कौन सा है? नाउ अगर गाइस आप फॉर्मूला वाइज देखें सो जो आयन डायपोल इंटरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होगा, कुछ इस तरह से होता है, राइट गाइस। और जब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का हम लेते हैं, ये क्या है आयन डायपोल का, और जब हम डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बारे में देखते हैं तो उसकी फॉर्मूला होता है 2q²r - 4q² / a / 4πε³, राइट गाइस। सो अगर आप इसमें देखें कि जो ये r की वैल्यू ऊपर भी आ रही है, यानी इसका परफेक्टली अगर मैं ये कहूं तो मोर करेक्ट आंसर इज दिस, क्योंकि इसमें जो r की वैल्यू है ये यूज नहीं हो रही है, राइट गाइस। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो r³ के है आयन डायपोल केस में मोर करेक्ट आंसर है, राइट गाइस। सो बेटर ऑप्शन कौन सा है इसमें आंसर लगाने के लिए, बी, राइट गाइस। आई होप समझ में आया होगा आपको, बेसिकली ये इसमें यही करना था, राइट।